अभी हमने एक स्टार्ट किया है एक्सीजन, जैसे बताया आप सबको कि डेली यूज में स्ट्रक्चर्स। अब आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, लेकिन इंग्लिश का बेस नहीं आता, बिल्कुल जीरो से चाहते हो, तो हमने यहां पे एक स्टार्ट किया है आप सबके लिए। सुबह में 6 बजे डालता हूं, डेली यूजेस होने वाले स्ट्रक्चर्स से सीखो इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना। यानी इंग्लिश में कहीं भी आपको दिक्कत है तो बोलना सीखो, लिखना सीखो, पढ़ना सीखो। और साथ में स्ट्रक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आप कल्पना नहीं करोगे। जैसे देखो पहला शब्द क्या दिया, एज स्मॉल एज पॉसिबल, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी बात बोलते ना, एज स्मॉल एज पॉसिबल। मेरे साथ दोहराओ और मैं एक बार ध्यान दो, क्लास में बैठो तो लाइक करके, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि वीडियोस रोज आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक करके उन दोस्तों को शेयर करो जिनको इंग्लिश बोलने लिखने पढ़ने की जरूरत है। और हां एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि मैं रोज दिन को 1:45 बजे रोजगार विद डीएसएल पर सीजीएल के लिए स्पेशल वीडियो ला रहा हूं, लाइव दे रहा हूं, और शाम को 6 बजे भी आता रहता हूं। तो 3 बार आता हूं, 1:45 बजे, शाम को 6 बजे और फिर रात को 9 बजे। तो इसमें लेट मत करना, एज स्मॉल एज पॉसिबल, छोटी से छोटी, मैं छोटी से छोटी बात पर लड़ाई नहीं करता हूं। अब देखो है क्या चीज, मैं लड़ाई नहीं करता हूं, आप बोल दो आई डोंट क्वेरल, लेकिन छोटी से छोटी बात पर यह वर्ड अगर बोलना हो तो जुबान नहीं खुलती, कहां से जुबान को खोले, कहां से वर्ड निकालें। तो एज स्मॉल एज पॉसिबल, आई डोंट फाइट, आई डोंट फाइट, एज स्मॉल मैटर्स एज पॉसिबल, एज स्मॉल मैटर्स एज पॉसिबल, वह छोटी छोटी चीजों को तरसाता है, तरसता है, वो छोटी से छोटी चीजों में तरसता है। ही क्रैप्स एज स्मॉल थिंग्स एज पॉसिबल। अब देखो अगला वर्ड है एज कॉस्टली, महंगी से महंगी, एज कॉस्टली, महंगी से महंगी, एज कॉस्टली, महंगी से महंगी, मेरे साथ दोहराओ, एज कॉस्टली, महंगी से महंगी, क्या बोलेंगे, वह एक महंगी से महंगी कार खरीदा था, ही बॉट, वह खरीदा था, एज एक्सपेंसिव कार एज पॉसिबल। तो एज पॉसिबल यहां पे वर्ड जो है वहां पे जोड़ना है, यहां पे क्या करना है, एज कॉस्टली एज पॉसिबल, एज कॉस्टली एज पॉसिबल वर्ड यहां पे जोड़ना है, एड करना है, एज कॉस्टली एज पॉसिबल, महंगी से महंगी, वह एक महंगी से महंगी कार खरीदा था, वो महंगी से महंगी कार खरीदा था। देखा, आप महंगे से महंगा मोबाइल यूज करते हो, आप महंगे से महंगा मोबाइल यूज करते हो, तो क्या होगा भाई, यू यू यूज, क्या बोला, यू यूज एज एक्सपेंसिव अ फोन एज पॉसिबल, यू यूज एज एक्सपेंसिव फोन एज पॉसिबल। ठीक है, अगला बार देखो, एज चीप एज पॉसिबल, एज चीप एज पॉसिबल, एज चीप एज पॉसिबल, सस्ती से सस्ती, सस्ती से सस्ती, एज चीप एज पॉसिबल, तुम सस्ते से सस्ते कपड़ा खरीदना चाहिए, तुम्हें सस्ते से सस्ता कपड़ा खरीदना चाहिए, तुम्हें सस्ते से सस्ता कपड़ा खरीदना चाहिए, यानी कह सकते हैं यू शुड बाय एज चीप क्लॉथेस एज पॉसिबल, यू शुड बाय एज चीप क्लॉथेस एज पॉसिबल, सस्ते से सस्ते। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें सस्ते से सस्ते लैपटॉप से काम चलाना चाहिए। देख रहे हो, इफ यू डोंट हैव मनी, इफ यू डोंट हैव मनी, यू शुड मेक डू विथ एज चीप ए लैपटॉप एज पॉसिबल। ठीक है, इस तरह से आपको एज चीप एज पॉसिबल, एज चीप एज पॉसिबल वर्ड को याद करना है, फॉर द टाइम बींग, फिलहाल, फिलहाल मैं तुमसे मिलूंगा, फिलहाल मैं तुमसे नहीं मिल सकता, है ना, फॉर द टाइम बींग, फॉर द टाइम बींग, फॉर द टाइम बींग, फिलहाल, फिलहाल की बात कर रहा है, फिलहाल के लिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए, फिलहाल के लिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, फॉर द टाइम बींग यू शुड गो होम, फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बींग यू शुड गो होम, फॉर द टाइम बींग यू शुड गो होम। तो आपको याद क्या करना है, याद करना है फॉर द टाइम बींग, फॉर द टाइम बींग, फॉर द टाइम बींग, इसको याद करना है। अगला कह रहा है फिलहाल इस काम को पूरा करो, बोलते ना फिलहाल इस काम को, फिलहाल लाइक करो, फिलहाल शेयर कर दो, फिलहाल सब्सक्राइब कर दो, क्या बोलेंगे भाई, कंप्लीट दिस वर्क फॉर द टाइम बींग, कंप्लीट दिस वर्क फॉर द टाइम बींग, कंप्लीट दिस वर्क फॉर द टाइम बींग, फिलहाल मुझे खेलने दो यार, फिलहाल मुझे खेलने दो, फॉर द टाइम बींग लेट मी प्ले, फिलहाल मुझे जाने दो, फॉर द टाइम बींग लेट मी गो, फिलहाल उसे आने दो, फॉर द टाइम बींग लेट हिम कम, फिलहाल उसे जाने दो, फॉर द टाइम बींग लेट हिम गो, तो लेट हिम गो लेट हिम कम, लेट मी गो लेट मी कम, तो फिलहाल मुझे खेलने दो, फॉर द टाइम बींग लेट मी प्ले, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं,
वर्ड को समझ पा रहे हो, आवाज है क्लियर, साउंड है क्लियर, तो लाइक करो ना, मजा आ रहा है। 6 बजे सुबह तुम्हारे लिए आ रहा हूं, वीडियो दे रहा हूं, लाइक भी नहीं किया। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि 10 मिलियन हो चुका है, तो 10 मिलियन बच्चों को पहुंचाओ तो सही, सीखो तो सहू, समझ तो रहो मैं क्या कह रहा हूं। आगे देखो, मेक अ मॉकरी ऑफ, ऐसी की तैसी कर देना, मेक अ मॉकरी ऑफ, मेक अ मॉकरी ऑफ, मेक अ मॉकरी ऑफ, मैंने उसकी ऐसी की तैसी कर दी, आई मेड अ मॉकरी ऑफ हिम, आई मेड अ मॉकरी ऑफ हिम, मैंने उसकी ऐसी की तैसी, मैं किसी के वैल्यू के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ऐसी की तैसी करता हूं खिलवाड़ करना, आई डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ समवन, आई डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ समवन, उसने कल उसकी ऐसी की तैसी कर दी, स्टडे ही मेड अ मॉकरी ऑफ हर, स्टडे ही मेड अ मॉकरी ऑफ हर, स्टडे ही मेक अ मॉकरी ऑफ हर, गॉड नोज, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने यार, गॉड नोज, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, गॉड नोज, God knows, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, God knows what will happen now, God knows what will happen now, ऊपर वाला सब जानता है किसकी गलती है, ऊपर वाला सब जानता है किसकी गलती है, God knows whose mistake this, God knows whose mistake this, God knows whose mistake this, ऊपर वाला सब जानता है ना, God जाने किसने चुराया, God knows who stole, God knows who stole, आप बनाते रहो, कमेंट करते रहो मुझे, it's been eight since, जमाना हो गया यार, it's been eight since, जमाना हो गया, पता है तुमसे मिले हुए जमाना हो गया, you know, it's been ages since we met you, you know, it's been ages since we met you, जमाना हो गया तुमसे मिले हुए, तुमसे बात की मुझे जमाना हो गया, तुमसे बात की मुझे जमाना हो गया, इट्स बीन एजेस सिंस आई टॉक टू यू, इट्स बीन एजेस सिंस आई टॉक्ड टू यू, तुमसे बात किए जमाना हो गया, मुझे ऑफिस गए हुए जमाना हो गया, अब इसको कमेंट करो, टाइप करो, इट्स बीन एजेस सिंस आई विजिटेड द ऑफिस, इट्स बीन एजेस सिंस आई विजिटेड द ऑफिस, ऑफिस गए हुए मुझे जमाना हो गया, ऑफिस गए हुए जमाना हो गया, इन अ डिलेमा, आप बताओ फटाफट, इन अ डिलेमा, दुविधा में, एक कहावत है दुविधा में दोनों गए माया मिलन राम, ध्यान दो बेटा, इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या चाहिए, जो मैं दे रहा हूं यह आपके पास होना चाहिए, कहते हैं ना करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आबत जात से सिल पर पड़त निशान, अगर ये सिल है ना तो बार बार इस पर रसरी आएगा ना तो निशान पड़ जाएगा, एक ही चीज को बार बार पढ़ोगे, बार बार करोगे तो आपका दिमाग में ये छाप पड़ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यू विल थिंक एनीथिंग इन इंग्लिश, आप हर चीज को सोच पाओगे इंग्लिश में, एंड यू आर एबल टू स्पीक, एबल टू थिंक इन इंग्लिश, तो यहां पे क्या है, वर्ड दुविधा में नहीं रहना है, कहते हैं ना मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारो, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है, तो आपको सबसे बड़ा चीज कि वोकैब नहीं आता तो इसको बार बार रिपीट करो, इन अ डिलेमा, इन अ डिलेमा, इन अ डिलेमा, इन अ डिलेमा, दुविधा में, सोच में, संकट में, मैं दुविधा में हूं, यह करूं कि वह करूं, समझ नहीं पा रहे क्या करें, उसको दुविधाएं बोलते हैं, इन अ डिलेमा, मैं दुविधा में हूं यार क्या करूं समझ नहीं आ रहा, आई एम इन अ डिलेमा, कितना अच्छा वर्ड है, आई एम इन अ डिलेमा, आई एम इन अ डिलेमा, दुविधा में, आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है, आपने मुझे दुविधा में डाल दिया है, यू हैव प्लेस्ड मी इन अ डिलेमा, यू हैव प्लेस्ड मी इन अ डिलेमा, यू हैव प्लेस्ड मी इन द दुविधा में, दुविधा में डालकर उसने तुम्हें छोड़ दिया, He left you by putting in a dilemma. He left you by putting in a dilemma. दुविधा में तुमने क्या किया? छोड़ दिया. अब देखो, unexpectedly, अचानक से कुछ भी हो सकता है. Unexpectedly, है ना? Something can happen unexpectedly. ठीक है? तुम अचानक से आ गए थे. You unexpectedly had come. You unexpectedly had come. उसने मुझे अचानक से देख लिया था. कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो. उसने मुझे अचानक से देख लिया था. See, saw me unexpectedly. See, saw me
अनफिटली, अगला क्या कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, वह आपको बता रहा था अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ही वॉज टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, मैं इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, अदर आधार पर है ना आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू ऑन द बेसिस ऑफ हिज दिस इंफॉर्मेशन, आई एम टॉकिंग टू यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, आपकी सैलरी आपके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जाएगी, आपकी सैलरी आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाई जाएगी, योर सैलरी वुड बी इंक्रीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखो जितना जो बच्चा इसका बुक इसी का किताब में ला रहा हूं, आप वेट करो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिल जाएगा या हर गली मोहल्ले किताब शॉप मिल जाएगा, ये किताब हिंदुस्तान में छाने वाला है, तो किताब आएगा उससे पहले कॉल कर लो, इस नंबर पे बात कर लो, जिस किसी बच्चे को बात करना है इस पे कॉल कर लो और कॉल करके मुझसे बात करो, यह किताब आपको मिल जाएगा। साथ साथ अगर बेसिक्स इंग्लिश बढ़िया से पढ़ना चाहते हो तो फोन नंबर आपके पास है, इन नंबर को सेव कर लो आपके अपने पास और मुझे कॉल करो, इन नंबर चल रहा है इस पे कॉल करो, इस पे कॉल करो, जहां भी दिक्कत है मैं आपके साथ हूं, इंग्लिश सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बुलाने के लिए, इंग्लिश में कहीं भी दिक्कत हो एक बैच दे रहा हूं शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे परम इंग्लिश बेसिक बैच, फाउंडेशन से घर बैठे इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ऐप है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, हिंदुस्तान का पहला ऐप है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, इस ऐप को डाउनलोड कर लिया मतलब आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो गया। इसके साथ डीएसएल इंग्लिश ऐप है, ये दोनों ऐप आपके लाइफ को बदलने वाला ऐप है और हर किताब पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये खास बात। डीएस फेसबुक ध्यान दीजिएगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब फॉलो करना है और अगर इंग्लिश वो कैब का कोई किताब मार्केट में है तो वह किताब है येलो बुक, इससे बढ़िया कोई किताब मार्केट में नहीं है, और एक रेड बुक, ये दो किताब के पास आ गया समझो इंग्लिश आपके आपका स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो ये आप डीएस इंग्लिश ऐप डीएसएल क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और ये नंबर आपके पास आ ही गया है, इसको अपने पास रख लेंगे, सेव कर लेंगे, मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो में रात को 9 बजे लाइव में, ठीक है। तब तक के लिए आप सारे बच्चे प्यास रहिए, मस्त रहिए, इंग्लिश को सीखिए और देश दुनिया में क्रांति फैलाइए। बाय बाय।